हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। हमें गिवन है BAC बेस 16 मींस एक हेक्साडेसिमल वैल्यू, उसे हमें बेस 10 मींस डेसिमल में कन्वर्ट करना है। दोस्तों ये BAC है क्या? हेक्साडेसिमल टेबल की अगर हम बात करें, 9 के बाद वैल्यू ABCDEF F काउंट होती है। हम कह सकते हैं कि जो A है वो है 10, B 11, C 12, D 13, E 14 and F 15। देन हमें गिवन है B। B का मतलब यहां 11 से है, 11 A। A है हमारा 10, 10 and C। C है हमारा 12। ये BAC की वैल्यूज। दोस्तों अब हमें एक सीरीज याद रखनी है 16 की। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। हमें गिवन है सिर्फ 3 डिजिट्स। तो दोस्तों 1, 2, 3, हमारा 3 में काम बन जाएगा। अब हमें इस सीरीज के प्रत्येक वैल्यू के नीचे हमारी ये एक डिजिट लिख देनी है। कैसे? 11, देन 10, देन 12। एंड अब दोस्तों हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखिए क्या सीरीज बनेगी, 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 11 प्लस 16 की पावर 1 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई विद 10 प्लस 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई विद 12। दोस्तों अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो देखते हैं। सिक्सटीन की पावर 0 मींस 1 इंटू 12, 12 प्लस में 16 की पावर 1 मींस 16 मल्टीप्लाई विद 10, 160। 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 11। दोस्तों इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये रिजल्ट आएगा हमारा 2816। देन दोस्तों ये हमारा सॉल्यूशन आया 2816, ये सॉल्यूशन आया 160 एंड इसका सॉल्यूशन आया 12। इन्हें हमें ऐड कर लेना है। दोस्तों 2816 प्लस 160 प्लस 12, इसे हम ऐड करते हैं। दोस्तों ये आया 2988, यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। दोस्तों BAC मींस 11, 10, 12 हेक्साडेसिमल वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जो हमारी डेसिमल वैल्यू रहेगी वो होगी 2988। ये होगी हमारी डेसिमल वैल्यू। थैंक यू दोस्तों।